वैसे तो नंबरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन 13 नंबर के प्रति लोगों का नजरिया थोड़ा अलग है। पूरी दुनिया 13 नंबर को मनहूस मानती है। भारत के अलावा पश्चिमी देशों में 13 नंबर को लेकर लोगों में डर जैसा माहौल रहता है। यह कॉन्सेप्ट कहां से आया है कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ कहानियां इसके रहस्य को उजागर करती है। सभी नंबरों में 13 नंबर सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। न्यूरोलॉजी के हिसाब से 13 नंबर अशुभ होता है। कई लोग इसे बुरे भाग्य का प्रतीक मानते हैं। आज तक लोगों में 13 नंबर को लेकर ऐसा फोबिया है कि लोग ना तो 13 नंबर के होटल रूम में रुकना चाहते हैं और ना ही 13 तारीख को कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं। कई शहरों में आज भी होटलों में 13 नंबर कमरा नहीं होता। अगर आप ट्रैवलिंग के दौरान होटलों में ठहरते हैं तो आप अलग अलग फ्लोर पर भी रूम बुक कराते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि होटलों में कमरा नंबर 13 नहीं होता। कई होटलों में तो 13वीं मंजिल तक नहीं होती। इस वजह से लिफ्ट में भी 12 के बाद सीधा 14वीं मंजिल पर जाने के लिए बटन दबाना पड़ता है। तो आखिर 13 नंबर को लेकर ऐसा क्या रहस्य है जिसे हम अब तक अनजान हैं? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन पश्चिमी देशों में भी लोग शुभ अशुभ पर विश्वास करते हैं। लोगों के अनुसार 13 नंबर बहुत अशुभ है। 13 नंबर को लेकर लोगों में एक तरह का डर बना रहता है। इस कहानी का सच्चाई से कोई वास्ता है या नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट की माने तो ईसा मसीह को एक बार एक किसी ने धोखा दिया था। उस व्यक्ति ने यीशु के साथ बैठकर खाना खाया था। संयोग की बात यह है कि वह व्यक्ति 13 नंबर कुर्सी पर बैठा था। इस घटना के बाद से 13 नंबर को विदेशों में विश्वासघात का प्रतीक माना जाने लगा है। शायद आपको सुनकर हंसी आए, लेकिन 13 नंबर का फोबिया यहीं खत्म नहीं होता। बात अगर फ्रांस की करें तो यहाँ के होटल और रेस्टोरेंट में 13 नंबर की कुर्सी नहीं होती। बड़ा अजीब है, लेकिन यहाँ के लोग इसका पालन करते हैं और अपने होटल में 13 नंबर की कुर्सी रखने से बचते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं डर रहता है कि ऐसा करने से कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। दोस्तों, अब 13 नंबर से जुड़े कुछ फैक्ट भारत के बारे में जानते हैं। अगर हम भारत के शहर चंडीगढ़ गए हो या फिर वहाँ पे रहने वाले हो वहाँ के, तो आपने देखा होगा सेक्टर 12 के बाद सीधा सेक्टर 14 होता है। इस संबंध में बताया जाता है कि नगर का मानचित्र तैयार करने वाले वास्तुविद ने भी 13 नंबर को अशुभ माना था। और दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक अकेले ऐसे शख्स थे जिनका 13 नंबर से गहरा नाता था। पहली बार उनकी सरकार केवल 13 दिन चली, दोबारा उन्होंने 13 तारीख को ही शपथ ग्रहण की। इसके बाद भी उनकी सरकार मात्र 13 महीने तक ही चली। इसके बाद उन्होंने 13वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री के तौर पर 13 दलों के सहयोग से 13 तारीख को शपथ लेने के लिए चुना, लेकिन इसके बाद उन्हें 13 तारीख को ही कड़ी हार का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि यह महज बस एक सहयोग है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, ऐसे ही 13 नंबर से जुड़े बहुत सारे फैक्ट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं जो एक सहयोग नहीं मानते लोग और उस पर विश्वास भी रखते हैं। आप कभी भी दुनिया से बाहर किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आज भी आपको 13 नंबर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलेंगे जो लोग आज भी फॉलो करते हैं। विदेशों में और साथ करके यूरोपियन कंट्रीज में आज भी आपको होटलों में 13 नंबर का कोई रूम नहीं मिलेगा, 13वां फ्लोर नहीं मिलेगा या फिर 13 नंबर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज उनके होटल या रेस्टोरेंट में नहीं रखी होगी। दोस्तों, आपके साथ भी 13 नंबर से जुड़ा कोई इंसिडेंट हुआ है या फिर आपने किसी के बारे में सुना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।